नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेस्टबुक में। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाला है न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे है और इसी में ये न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म अनवील किया जाएगा। इसमें डिजिटल कैमोफ्लाज होने वाला है, तो बहुत जरूरी है आप जाने आखिरकार ये डिजिटल कैमोफ्लाज होता क्या है और ये न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म कैसा होगा। तो इन सभी आयाम पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं न्यूज में कवर किया जा रहा है, IAF को मिलने वाला है न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म। तो क्या है ये, आइए देखते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स को एक न्यू डिसरप्टिव पैटर्न कॉम्बैट यूनिफॉर्म मिलने वाला है 8 अक्टूबर को, जो कि एयरफोर्स डे भी है। एंड ये न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म अगर आप देखें तो इसमें डिजिटल कैमोफ्लाज पैटर्न होगा, एक अलग प्रकार का फैब्रिक होगा, एक अलग डिजाइन भी होगी। और इसको चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयरफोर्स डे के परेड के दौरान अनवील करने वाले हैं। कहां पर है इस बार का परेड? चंडीगढ़ में जो हो रहा है। तो इंडियन आर्मी ने भी इसी प्रकार का डिजिटल पैटर्न जनवरी में इसी साल इंट्रोड्यूस किया था। तो अगर हम इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म की भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी अगर हम बात करें एयरफोर्स की, तो न्यू यूनिफॉर्म जो होगी दोस्तों वो सिमिलर होगी आर्मी के नए डिजिटल पैटर्न से, जो कि जनवरी में अनवील की गई थी। कलर्स शेड्स हालांकि कुछ अलग होंगे, ऑब्वियसली आर्मी एयरफोर्स का कुछ अंतर रखा जाएगा, लेकिन इसमें भी सेम डिजिटल कैमोफ्लाज पैटर्न देखने मिलेगा। एंड ये इस प्रकार से शेड्स में अंतर होगी, कलर में अंतर होगी, कि एयरफोर्स का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से वहां पर बेहतर काम कर सके, उसी के प्रकार से वहां पर पैटर्न भी दिया जाएगा। तो क्या एयरफोर्स में इस वक्त कैमोफ्लाज पैटर्न इस्तेमाल होता है? देखिए, एयरफोर्स में ना बहुत सारा अलग अलग प्रकार का यूनिफॉर्म है। एक्चुअली आर्मी में भी है, नेवी में भी है। सेरेमोनियल यूनिफॉर्म होता है, डेली यूनिफॉर्म होता है, ऑफिस जाने का अलग यूनिफॉर्म होता है। वैसे ही अगर आप देखें तो मेस का अलग यूनिफॉर्म होता है। तो शायद 9 या 10 प्रकार के, और महिलाओं का भी यूनिफॉर्म आप देख लें, लेडी ऑफिसर्स। एंड इस प्रकार से आप देखें तो यूनिफॉर्म कई प्रकार के हैं। तो एक प्रकार का यूनिफॉर्म जो कि एयरफोर्स भी यूज करती है वो ग्राउंड ड्यूटी रोल्स के लिए यूज करती है। ग्राउंड ड्यूटी रोल्स में इस वक्त अगर आप देखें तो एयरफोर्स भी कैमोफ्लाज पैटर्न यूज करती है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये इंडियन एयरफोर्स के ही हैं, और इन्हीं का अगर आप कैमोफ्लाज पैटर्न देखें तो ये यूज कर रहे हैं। इनका कैमोफ्लाज पैटर्न आप देखें तो ये आर्मी जैसा 90s में 80s में इस्तेमाल करती थी, जिस प्रकार का पैटर्न पहना करती थी, वैसा ही पैटर्न अब तक देखने मिल रहा था। एयरफोर्स अब तक उसी पैटर्न के यूनिफॉर्म इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के जो गरुड़ स्पेशल फोर्सेज हैं वो डिजिटल पैटर्न के यूनिफॉर्म पर स्विच कर चुके हैं। एंड आप देख सकते हैं गरुड़ कमांडोज हैं, डिजिटल पैटर्न की यूनिफॉर्म्स ये पहनते हैं। तो यहां से सवाल उठता है, सर ये डिजिटल पैटर्न क्या हुआ? तो देखिए, इस प्रकार का जो पैटर्न इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे हैं इसी को कहते हैं डिजिटल कैमोफ्लाज। दोस्तों, ये एक प्रकार का कैमोफ्लाज पैटर्न है जिसमें माइक्रो एंड मैक्रो पैटर्न दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। माइक्रो मैक्रो क्या हुआ? छोटा बड़ा दोनों पैटर्न मिक्स करके आपको एक पिक्सलेटेड लुक में पैटर्न देखने मिलता है। देख रहा है ना कैसा, पिक्सल्स की तरह आप देख रहे हैं एक एक पैटर्न, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो कैसे, जैसे एक एक पिक्सल में एल्गोरिथम से अलग अलग कलर कुछ दिया गया हो, ऑलरेडी प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर कोड हो जिसमें बताया गया हो इतने पिक्सल में ये कलर जाएगा, इतने पिक्सल में ऐसा कलर जाएगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं डिजिटल, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न में कौन सा कलर जाने वाला है, किस कोऑर्डिनेट पे, हम अगर पूरे इस कलर को हम एक्स और वाई ग्राफ के चार्ट में बांट सकते हैं ना, तो किस कोऑर्डिनेट पे कौन सा कलर जाएगा, है ना, तो 1.2, 2.4 इस प्रकार से कहां पर कौन सा कलर जाएगा वो कोऑर्डिनेट पे जो डिजाइन करना है ये डिजिटल कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है, डिजिटली डिफाइंड होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डिजिटल पैटर्न। पर्पस क्या होता है ना, ऐसा पाया गया है कनाडा ने पहली बार इस प्रकार का डिजिटल कैमोफ्लाज पैटर्न इंट्रोड्यूस किया था, फिर यूएस में भी आया, उन्होंने यूनिवर्सल कैमोफ्लाज पैटर्न हर प्रकार के टेरेन में सिमिलर कैमोफ्लाज पैटर्न यूज करने लगे। हालांकि उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ, कहा गया कि अलग अलग टेरेन में अलग अलग प्रकार का कैमोफ्लाज पैटर्न यूज होना चाहिए। तो पर्पस क्या होता है, ऐसा पाया गया है जब इस प्रकार का कैमोफ्लाज होता है, डिजिटल कैमोफ्लाज होता है, तो ये अलग अलग रेंज में कैमोफ्लाज का फंक्शन करता है, यानी छुपने का, अपने एनवायरनमेंट से इजीली ब्लेंड कर जाता है, दूर से भी पास से भी। तो इसीलिए डिजिटल कैमोफ्लाज काफी ज्यादा सक्सेसफुल आज के टाइम में यूनिफॉर्म पैटर्न में माना जाता है। आईएएस यूनिफॉर्म में और भी चेंजेस होंगे अदर देन सिंपली कैमोफ्लाज, डिजिटल कैमोफ्लाज पैटर्न, फैब्रिक भी बदलेगा, ब्रीदेबल फैब्रिक होगी,
स्ट्रॉन्गर होगा और लाइटर फैब्रिक भी देखने मिलनी चाहिए, ऐसी उम्मीद है। हालांकि क्या तस्वीर होगी ये तो ऑब्वियसली जब एयरफोर्स डे परेड होगा तब आप देखेंगे। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी ने भी आर्मी डे परेड में इस प्रकार से अपना डिजिटल कैमोफ्लाज पैटर्न अनवील किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल कैमोफ्लाज पैटर्न आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। अब बहुत लोग हो सकते हैं कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं समझ रहे हो, तो आपके लिए मैं यहाँ पर डिफरेंस भी दिखा सकता हूँ। तो ये देखिए ये पैरा कमांडो ही है, ये पुराना यूनिफॉर्म देखिए इनका, कैमोफ्लाज देख रहे हैं कैसा है, क्या आपको छोटा बड़ा डिजाइन मिक्स किया हुआ दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आप देखिए इनका कैमोफ्लाज कैसा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा बड़ा हर प्रकार का डिजाइन पैटर्न ब्लेंडेड है। तो ये कैसा पैटर्न है आप देख पा रहे हैं, दिस इज डिजिटल कैमोफ्लाज, यही है दोस्तों डिजिटल कैमोफ्लाज। आप देख सकते हैं आर्मी ने इंट्रोड्यूस किया है, तो कुछ ऐसा ही डिजिटल कैमोफ्लाज अब आपको एयरफोर्स में भी देखने मिलेगा। एयरफोर्स में भी जो ग्राउंड ड्यूटी पे ऑफिसर्स हैं, जो एयरमैन है, वो इसी प्रकार का डिजिटल कैमोफ्लाज पैटर्न के यूनिफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसके सिवा आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सिवा टेस्टबुक सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर के आए हैं 30+ वीडियो कोर्सेज, 550+ मॉक टेस्ट, 500+ स्टडी नोट्स, 1000+ डेली लाइव क्लासेस। इसके सिवा हमारे सुपर टीचर्स हैं जो कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में बड़ा नाम कमा चुके हैं, आप उनसे डायरेक्टली पढ़ेंगे, तो वो जो ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं वही आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ाएंगे। इसके सिवा डेली लाइव क्लासेस भाई एक्सपर्ट्स हो रही हैं ज्योग्राफी में, आप डेली मुझसे जुड़ ही रहे हैं सुबह 9 बजे। इसके सिवा पॉलिटी भी है, करंट अफेयर्स भी है, हिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक्स भी है, एंड जो सुपर कोचिंग की सब्सक्रिप्शन की कीमत है ये है, अगर आप 1 साल की UPSC सिविल सर्विस एग्जाम की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलती है 3000 रुपए प्रति माह में। पर जैसे ही आप कूपन कोड यूज करेंगे किंजल, आपको मिलता है 20% ऑफ। तो आपको क्या करना है, KINJAL किंजल नाम का आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है, एंड मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। 20% ऑफ में आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी कि 2400 रुपए प्रति माह में आपकी सब्सक्रिप्शन हो जाएगी। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं।